हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इस समय मैं सादीपुर मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली में हूँ, और जैसे कि अब घर की तरफ जा रहा हूँ, तो जैसे मेरे पास जैसे कि अभी जल्द में इन्फॉर्मेशन आया है उन लोगों के लिए, खासतौर पर जैसे जिन लोगों का चेक बाउंस हो जाता है, तो उन लोगों के लिए खास मैसेज ये है कि जो चेक बाउंस बहुत ज़्यादा करवाते हैं उनके लिए खास न्यूज़ है कि जो अपना वित्त मंत्रालय है वो एक नया मतलब चेक बाउंसिंग केस में 138 में NI एक्ट आप कह सकते हैं उसमें ला रहा है एक बड़ा बदलाव। बदलाव ये है कि आने वाले समय में क्या होगा, उसमें बड़े सारे बदलाव होंगे। जैसे कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, वो क्या करते थे, चेक बाउंस करवा देते थे। तो उसमें क्या होता था, पैसे नहीं काट पा के होता ही नहीं थे पैसे, तो काटेंगे कहाँ से बैंक वाले। बट अब बदलाव हो रहा है, अगर किसी का चेक बाउंस होता है, जो अब नियम आने जा रहा है, किसी का भी चेक अगर बाउंस होता है तो उसमें से उसके नाम के दूसरे अकाउंट से चेक डिडक्ट कर लिया, मतलब उसमें से अमाउंट काट लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है वित्त मंत्रालय, ऐसा वित्त मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया, और इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। तो बहुत जल्द इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, ओपिनियन लिया दिया जा रहा है, तो बड़ी बहुत जल्द ये नियम लागू भी हो जाएगा। तो जो चेक बाउंस ज़्यादा लोग करते हैं उनके लिए खैर नहीं है। अब ऐसा क्यों उठा रहे हैं, ऐसा क्यों उठाया जा रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसा कदम, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे क्या होता है, आज कल चेक बाउंसिंग के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इससे जब चेक बहुत ज़्यादा बाउंस होता है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, मतलब कोर्ट में जो भारतीय कोर्ट है वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, और जो मैक्सिमम केसेस पेंडिंग होते हैं वो 15 साल 20 साल केसेस चलते रहते हैं, उनको निपटारा ही नहीं हो पाता। तो इन सब को निपटने के लिए ऐसा किया जा रहा है, केस कम होंगे, और यहाँ तक एक चीज़ और, केस को कम होंगे, जो कानूनी प्रक्रिया से लोगों को बिजनेसमैन होते हैं वो उनको जो झेलना पड़ रहा है उससे झेलना नहीं पड़ेगा। तो आने वाले समय में ये बेहतरीन देखने को जो मिल रहा है, और इसके बाद में दूसरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बदलाव होगा, जो क्रेडिट स्कोर होगा उस व्यक्ति का जिसका चेक नाम से चेक बाउंस होता है, उसका क्रेडिट स्कोर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्रेडिट स्कोर काफ़ी नीचे डाउन होगा। और इसमें फ़ायदा है, फ़ायदा बहुत सारे होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचेंगे, और इसमें फ़ायदा ये होगा कि वो अपने केवल बिजनेस पर ही प्रॉपर फोकस कर पाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, जो फालतू के मतलब कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं, जो आए दिन कोर्ट में केसेस फाइल होते रहते हैं 138 के NI एक्ट के, उनकी संख्या में भी काफ़ी कमी आएगी। तो ये ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इसके अलावा फ़ायदा ये होगा, इसमें जुर्माना बहुत ज़्यादा देना पड़ सकता है, जैसे कि इसमें जुर्माने में भी बदलाव होगा, हो सकता है चेक का डबल देना पड़े। जब चेक बाउंस होने के बाद क्या होता था, अभी 18% या 8% 10% 15% ही कोर्ट दिलवाती थी, बट आने वाले नियम में ऐसा भी हो सकता है कि आप चेक बाउंस होने के बाद में कम से कम चेक के अमाउंट का डबल देना पड़े। तो अगर डबल देना पड़ेगा तो उसे भी क्लाइंट या जो भी होंगे चेक बाउंस करवाने के जो आदि हो चुके हैं, जिन्होंने अपना एक फंडा बना रखा है कि चेक दे के उसके बाद बंदे को गुमराह करो, उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर में बार बार घसीटते रहो, उन चीज़ों से उसको फुर्सत मिल जाएगी। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।